हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अब यह आशंका बढ़ चुकी है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो सकता है। इजराइल ईरान युद्ध की आशंका को लेकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने समूचे पश्चिम एशिया में लड़ाकू विमानों का दस्ता और विमान वाहक पोत तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता पेंटागन ने यह जानकारी दी है। पेंटागन ने बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने ईरान और उसके सहयोगियों के संभावित हमलों से इजराइल की रक्षा करने और अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम एशिया में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों और युद्ध पोत के दस्ते ने इजराइल के चारों ओर उसकी रक्षा के लिए घेरा बनाना शुरू कर दिया है। पेंटागन के एक बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूरोप और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइल से लैस जहाज और विध्वंसक पोत तैनात करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा ऑस्टिन वहां जमीन से वार करने वाली अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइल भेजने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का भी निर्णय ऐसे समय में लिया है जब अमेरिकी नेताओं ने यह चिंता जताई है कि इजराइल के हालिया हमलों में हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के कारण क्षेत्र में हिंसा बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों उग्रवादी समूहों के अलावा ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। व्हाइट हाउस के अनुसार बाइडेन ने बृहस्पतिवार दोपहर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके उनके देश को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के संभावित हमलों से बचाने के लिए क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति बढ़ाने पर चर्चा की। अप्रैल में अमेरिकी बलों ने ईरान द्वारा इजराइल की तरफ दागी गई दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाकर उनके हमलों को नाकाम किया था। बुधवार को तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और मंगलवार को बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुकुर की हत्या के बाद क्षेत्र में जारी तनाव के युद्ध में तब्दील होने का खतरा बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने इजराइल को बदला लेने की धमकी दे दी है। हमास चीफ इस्माइल हानिया उर्फ हनिये की हत्या से बौखलाए ईरान ने अपने क्षेत्र में हुए हमले का करारा जवाब देने की इजराइल को धमकी दी है। ऐसे में अमेरिका ने नेतन्याहू को पूरी मदद का भरोसा दिया है। इजराइल ने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा उसके क्षेत्र में किए गए अप्रत्याशित हमले के बाद समूह के नेताओं को मार गिराने का संकल्प लिया था। ऑस्टिन ने यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत को पश्चिम एशिया में तैनात करने का फैसला लिया है। ये पोत ओमान की खाड़ी में मौजूद यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की जगह लेगा। पेंटागन ने यह नहीं बताया है कि लड़ाकू विमानों का दस्ता कहां से आएगा और इसे पश्चिम एशिया के किस हिस्से में तैनात किया जाएगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, यानी कि ईरान लगातार बदले की आग में झुलस रहा है, वहीं अब अमेरिका भी एक्टिव हो गया है जिस तरह से तमाम देश इजराइल पर निशाना साधे हुए हैं। इस बीच अमेरिका ने अपने युद्ध पोतों को तैनात किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।